उत्तर पूर्वी दिल्ली शास्त्री पार्क में बीते दिन स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष कारी हारून मोहम्मद न्यास, हरियाणा प्रभारी डॉक्टर असलम आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहम्मद नवाब ने कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आप सरकार की पोल खोल दी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को महाबेमान बताया। उन्होंने कहा कि वो लोगों को लूट रहा है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पर्चों के जरिए दिल्ली में आप सरकार बुलडोजर का डर दिखाकर लोगों से उनकी जमीनें सस्ते में खरीद रही है। भाजपा को सभी समुदाय की पार्टी बताया गया। मोहम्मद नवाब ने आए मेहमानों का फूल मालाओं से स्वागत किया और लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। दिल्ली से रानी खान के साथ सलीम इदरीसी की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद नवाब दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे से हूँ और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। आज जो अपने कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था इसका? हमारा उद्देश्य ये था कि मोदी जी ने जो 8 साल काम किया है, जनधन योजना है, फ्री सिलेंडर है, इस तरीके की जो योजनाएं थी, सबको घर, जिनके कच्चे घर थे उन सबको पक्के मकान मिले, और इसी तरीके से जैसे यहाँ पर विकास का मामला मुस्ता आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लोगों को भटका रही थी यहाँ पर, ये बीजेपी आ जाएगी तो आपके मकान तोड़ देगी। तो हमने इस चीज़ पर भी प्रोग्राम रखा था और हमारा ये था कि ये संदेश जो मोदी जी का है वो डोर टू डोर हम घर तलक अभियान इस चीज़ को चलाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान को लोगों को अवगत कराएँ कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। आपने बताया सिलेंडर योजना, जी आपने बताया सिलेंडर योजना, सिलेंडर इससे पहले 400 रुपए का मिलता था जो 1000 से ऊपर मिल रहा है, जितने सिलेंडर फ्री दिए थे उससे ज्यादा सरकार कमा चुकी है। देखिए कांग्रेस के टाइम में भी 1300 रुपए सिलेंडर हो गया था, आपको पता मालूम हो, ये गवर्नमेंट है, आती रहती है जाती रहती है, लेकिन निकलता कहाँ से पैसा, कोई ज़्यादा खींचता है कोई कम खींचता है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा 1300 रुपये तक सिलेंडर था। अच्छा एक बात तो, जैसे आज पूरे भारत में बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन आपको यहाँ बुलंद मस्जिद में आपके के साथ यानी कि बड़ी संख्या में, यानी कि क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में, आपको हिंदू मुस्लिम क्या कारण है ये जो इतनी संख्या में लोग आपके साथ हैं बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में, क्या कारण है? देखिए ये मैं कार्यकर्ताओं के साथ में मेरा प्यार बना हुआ है, ये लोग मेरे पास अगर रात के 2 बजे भी आते हैं ना, आप पता कर कीजिए तो 2 बजे उठ के मैं इनके साथ देने खड़ा रहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने खुद अपने आप को मजबूत किया है, अगर पार्टी हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो पार्टी के साथ मिलकर हम भी अच्छा काम कर रहे हैं और अपने माइनॉरिटी मोर्चे को चमकाने का काम कर रहे हैं कि हमारा माइनॉरिटी मोर्चा भी किसी से दब के काम नहीं करता। अब्बास नकवी जी, उनको भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाना चालू कर दिया क्योंकि राज्यसभा में उनको अपनी बार नॉमिनेशन नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वो हमारे आज भी बड़े हैं, कल भी हमारे वो सरपरस्त थे, ये पार्टी का निर्णय होता है कि किसी को आगे लाना है या किसी को थोड़ा रेस्ट देना है। अब प्लेयर जो खेलते हैं क्रिकेट के अंदर रेस्ट ले लेते हैं, नहीं ले लेते? एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है राज्यसभा में, क्या आज वो माइनॉरिटी मोर्चा पूरी तरह खत्म हो रहा है क्या राज्यसभा से? और पहली बात तो आपने अभी कहा बीजेपी हिंदू मुस्लिम सबकी पार्टी है, लेकिन आज जो है जो अजान रमजान हनुमान पे और इतनी बड़ी बहस चली पूरे वर्ल्ड में, यानी कि बीजेपी को प्रवक्ताओं को हमें प्रबंध लगाना पड़ा, क्या कारण है इसका? देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी विकासवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को लेकर चलती है। अब जो विपक्ष है वो विकासवादी राजनीति करता नहीं है, विपक्ष को परिवारवादी राजनीति चाहिए, विपक्ष को धर्मवादी राजनीति चाहिए, विपक्ष को तोड़ने वाली राजनीति चाहिए, तो वो हम विकास पर रास्ते पर लाते हैं,
वो हमको दिशा भटकाने के लिए इन सब मुद्दों में उलझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यही उलझने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है, वो विकास है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन का हमें संदेश दिया है, समाज का अंतिम आदमी जो पिछड़ा है उसकी सेवा की जाए, मानववादी जो हमारी विचारधारा है इस पर हम काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमारे दो प्रवक्ता जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन उनसे उनको भटकाया गया, उनके धर्म को बार बार किसी ने टेलीविजन पर गलत बोला, आवेश में आकर उनके साथ जो गलत शब्द निकल गया। एक बात बताइए सर, कार्रवाई भी की, दो प्रवक्ताओं के ऊपर पार्टी ने कार्रवाई करके संदेश दिया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और माननीय मोदी जी जो है आज राजनीति को विकासवादी राजनीति की तरफ लेकर आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये सब मुद्दा जो विपक्ष लेकर आ रहा है उसका कोई स्थान नहीं है। जिस तरह से आप पोल खोल यात्रा की बात करें, पोल खोल अभियान चला रहे हैं, उसी तरह आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े पर्चे बांटे जिसमें कहा कि MCD 63 लाख लोगों को बेघर करने की तैयारी कर रही है, उसमें कई मुस्लिम इलाकों के नाम लिखे गए हैं, तमाम पर्चे बढ़े, क्या कहेंगे उस मामले को? ये तो केजरीवाल लोगों को डरा रहा है, पहले लालच देकर वोट लिया, अब डरा कर वोट लिया। ये 63 लाख लोग जो हैं इनको बसाया किसने, इनको अवैध किसने बनाया? तब तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी थी, हाँ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ये जिनको अवैध बताकर डराने का काम कर रहे हैं, ये सबको रेगुलाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक घर नहीं टूटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घर बनाकर देने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी घर तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। ये सभी को रेगुलाइज कर इनको जो कानूनी दर्जा देने का काम करेगी, अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, एक भी घर नहीं टूटेगा। जिस तरह से सीलमपुर, सुंदर नगरी, साइन बाग और जागीरपुरी में लगातार जो बिल्डोजर चला, उस पर किसी BJP का या आम आदमी पार्टी का बयान नहीं है। क्या जैसे MCD में रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है, NDMC में नहीं किया गया, क्या कारण है? अब वो कारण तो हमारे अरुण भाई बताएंगे, लोकल मुद्दा है इसके। सर क्या कारण बताएंगे कि जो NDMC में जो MCD की तरह वेंडर का था मामला, उन्हें रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करा गया, क्या कारण है? वो अभी फेरे गौर है, तो 15 साल से लगभग NDMC में हुकूमत है आपकी, आप समय देंगे तो NDMC के लोगों से बात करवा देंगे, बात रख लेंगे, जेरे गौर है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उनको रोजगार दिया जाएगा सबको। उनके लाइसेंस ही रद्द कर दिए गए, क्योंकि उनके ज्यादा जानकारी नहीं। चलिए